हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज आवर क्लास इज क्लास 11 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम एंड आवर चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फर्स्ट पार्ट। देखो, ग्रेविटेशन में हमने अभी कोई पार्ट नहीं बनाया, फर्स्ट पार्ट है ये। इंग्लिश मीडियम का फिजिक्स का हमारा जो लेसन चल रहा था बहुत लंबे समय से, उसमें ब्रेक आ गया। समझ लीजिए, आप लोग को तो बिल्कुल लगा होगा कि सर तो वीडियो ही नहीं बना रहे इस पर। एक्चुअली अभी कोविड 19 के कारण जो सिचुएशन बना और 11th क्लास का जो कंडीशन बना पूरे कंट्री में, CBSE बोर्ड में, कि 11th क्लास के एग्ज़ाम नहीं होने हैं, और उसके बाद फिर पूरा सिस्टम ही ऐसा हो गया कि स्टूडेंट्स भी मुझे लगा कि बहुत इजी गोइंग हो गए, बस 11th तो पास हो गए। लेकिन हमको उसको कंटिन्यू करना है। कल के लिए आप नीट, IIT, JEE, NDA वगैरह के एग्ज़ाम देंगे तो आपको फिजिक्स का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। तो भले ही आपको जनरल प्रमोट कर दिया गया 12th क्लास के लिए, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप पूरे टॉपिक कम से कम एक बार ज़रूर देख लीजिए, अदरवाइज आफ्टर 12th क्लास आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत परेशानी होने वाली है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में थे, जो 12th प्रमोट हो गए, उनको भी मेरा सजेशन है कि एक बार अपना कोर्स आप ज़रूर कम्प्लीट करिए। दूसरा, जो अभी 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट हैं, वो भी जनरल प्रमोशन से आ रहे हैं, 10th to 11th जो मूविंग स्टूडेंट्स हैं, उनको तो स्टार्टिंग से 11th के वीडियोस देखने हैं। और हमारे चैनल में आप 11th का स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे फर्स्ट चैप्टर से, तो आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी है 11th क्लास में, वो है बेसिक मैथमेटिक्स। यदि आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पुअर है तो आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। खासकर ऐसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी की स्ट्रीम में जाएंगे, बायोलॉजी बैकग्राउंड पर होंगे, उनका फिजिक्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब 10 तक अब नहीं पढ़े होते तो वो अच्छा नहीं हो पाता, और वो हमको बाद में फिजिक्स में परेशान करता है। तो आप सभी को मेरा सजेशन है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल टूल्स करके आपको पूरा एक सीरीज़ मिलेगा। वहाँ पर मैंने फिजिक्स में यूज़ होने वाले सभी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो वहाँ से आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए, वन बाय वन, फिर एक एक वीडियो को आप देखते जाइए, तो आपको आगे समझ में आएगा। ओके, चलिए तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेविटेशन के बाद जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है, इससे कनेक्टेड है, और आगे फ्यूचर में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट है। तो इस चैप्टर से नीट में कम एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, IIT JEE में भी से क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन? एक्चुअली ग्रेविटेशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन। आप सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स को न्यूटन ने इंट्रोड्यूस कराया, न्यूटन ने सबसे पहले बताया। ये एक जनरल स्टोरी कॉमन है जिसको हर कोई बचपन से पढ़ता है कि न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा और उन्होंने डिक्लेयर किया कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है, ये न्यूटन ने डिक्लेयर किया। एक्चुअली ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने इस बात को बार बार महसूस किया कि हम किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो फाइनली वो अर्थ में ही आके नीचे क्यों गिरता है, और इस इवेंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखो, न्यूटन के बारे में कहा जाता है न्यूटन इज ए साइंटिस्ट ऑफ नेचर। न्यूटन के बारे में एक महान साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है कि न्यूटन के जन्म से पहले साइंस के जितने कॉन्सेप्ट थे, इवेंट्स थे, बट उनके कॉन्सेप्ट डार्क में थे, दैट मीन्स वो अंधेरे में थे, लेकिन न्यूटन एक रोशनी की तरह पैदा हुए, एक कैंडल की तरह न्यूटन इस दुनिया में आए और उजाला हुआ, और पूरे इवेंट्स के कॉन्सेप्ट हमको पता चलने लगा कि अर्थ में ग्रेविटेशन कैसे होता है, लाइट में 7 कलर कैसे होते हैं, साउंड का स्पीड कितना होता है। ये नेचर के नेचुरल इवेंट्स को न्यूटन ने जितना टच किया, फिजिक्स में किसी साइंटिस्ट उतना टच नहीं किया, इसीलिए बोला जाता है कि न्यूटन इज़ द साइंटिस्ट ऑफ नेचर। उन्होंने नेचर को सबसे ज़्यादा स्टडी किया, उसी का एक परिणाम है कि उन्होंने नेचर के स्टडी में ही ग्रेविटेशन फोर्स को दिया। तो देखिए, ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो किस तरह का रूल है? सबसे पहले हम उनके रूल को ही पढ़ेंगे, स्टार्टिंग ही वहीं से इस चैप्टर का, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। फर्स्ट रूल इज (clears throat)
मैंने इनके रूल को कंप्लीट लिखा है, चाहता तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी लिख देता, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, लेकिन मैं पूरा डिटेल में लिखा है और इसके मैं सबसे पहले स्टेटमेंट को ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया गया है, यूनिवर्सल। भाई ये क्या है? न्यूटन्स लॉ तो समझ में आता है कि न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन के लिए एक रूल दिया, वो न्यूटन्स लॉ है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल? न्यूटन ने अपने रूल में यूनिवर्सल वर्ड यूज़ क्यों किया? तो यूनिवर्सल वर्ड यूज़ करने का न्यूटन का यहाँ पर मतलब यह है कि न्यूटन ने बताया कि ये जो मेरा रूल है वो पूरे यूनिवर्स में अनकंडीशनल लॉ है, ये इसका कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा, उस जगह में कम लगेगा, उस जगह में ज़्यादा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड बिटवीन अर्थ एंड सन आल्सो, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से लेकर सन और अर्थ के बीच तक, दैट मीन्स छोटे से छोटा पार्टिकल और पास से पास में रहने वाले पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल दूर से दूर में रहने वाले पार्टिकल के बीच भी रहेगा। एनी मीडियम, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एयर में हो, वैक्यूम में हो, कि किसी लिक्विड के अंदर में हो, कोई कंडीशन नहीं है कि कहीं पर भी हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। दैट मीन्स दिस लॉ इज करेक्ट ऑन होल यूनिवर्स, इन होल गैलेक्सी, पूरे गैलेक्सी पर कहीं पर भी इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अब देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने इस रूल में बताया क्या, न्यूटन ने अपने रूल में जो बताया वो क्या है। सपोज़ ये कोई मास पार्टिकल है, इसका मास सपोज m1 है, ये कोई दूसरा मास पार्टिकल है, सपोज़ इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज़ इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने ले लिया r ले सकते हैं, d ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो न्यूटन ने अपने स्टेटमेंट में बताया, यहाँ पर देखो, कि यदि टू मास पार्टिकल्स के बीच में यदि r डिस्टेंस हो तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है F, जो कि अट्रैक्शन फोर्स है। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट, ग्रेविटेशन फोर्स इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स, यह अट्रैक्शन फोर्स होता है, यह रिपल्सन नहीं होता, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक्चुअल में ये वीक फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच उसके चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम होता है। तो ये क्या होता है, वीक फोर्स होता है, ये कम्प्लीटली इसके मास पर डिपेंड करता है कि मास कितना ज़्यादा है, मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, अदरवाइज ये वीक फोर्स है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स, कंजर्वेटिव फोर्स इसको बोलते हैं ऐसा फोर्स जिसमें जो वर्क होता है, जिस फोर्स से जो वर्क होता है वो मीडियम या पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। इफ वर्क डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ देन दैट टाइप ऑफ वर्क आर फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इन दैट केस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। देखो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना मेरे सब्जेक्ट में, कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यदि आप कॉम्पिटिटिव के लेवल पर जाकर सक्सेस होना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो बोर्ड एग्जाम में लिखना, रट्टा मारना और जाके कॉपी में लिखना और मेरिट में आना, टॉप हो जाना, यूनिवर्सिटी अपन जहाँ भी बोर्ड में, सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जहाँ पढ़ रहे वहाँ पर टॉप पोजीशन में आ गए, एक तरीका है। दूसरा तरीका है फिजिक्स को समझना, फिजिक्स की फीलिंग आपके अंदर, फिजिक्स एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने का सब्जेक्ट है। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना बोला जाता है, ये पूरा स्टडी का नेचर, उस फेनोमेना को समझना और फिजिक्स को उसका अनुभव होना, हम उसकी फीलिंग्स आना कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, वो मुझे पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो ये एक अलग मैटर हुआ जो कि कॉन्सेप्ट है। और जब तक आप फिजिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज नहीं समझेंगे आप कॉम्पिटिटिव में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात आप परमानेंट नोट कर लो। फिजिक्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, क्लियर, कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट। वैसे हर सब्जेक्ट का अपना कॉन्सेप्ट होता है लेकिन फिजिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। तो आप यदि छोटी छोटी बातों को, अब आप बस याद कर लिए कि हाँ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ होता है, उसके नेचर नहीं पता वो कैसा होता है, तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए मेरा नेचर है कि मैं अपने हर क्लास में फिजिक्स के, अपने हर क्लास में
पूरे डेप्थ में डिस्कशन करता हूँ। इन चीज़ों पर आपको इंटरेस्ट लेना है, उसमें आपको बोर नहीं होना है कि अरे कितनी सारी बात सर बता रहे हैं। आप चार फार्मूला रट लोगे और कुछ डेफिनेशन रट लोगे और बोलोगे कि फिजिक्स मुझे अच्छे से आता है, ऐसा नहीं है। कुछ डेफिनेशन और कुछ फार्मूला रट के आप फिजिक्स के जानकार, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये सब आपको तब पता चलेगा जब 12th क्लास के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, तब वहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको डेप्थ में पढ़ना था। तो ये हैबिट आप अभी से डेवलप करिए, ओके। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा हर क्लास उस लेवल का हो। तो ये सिचुएशन आप समझ गए, ये मास पार्टिकल ग्रेविटेशन फोर्स का मैंने जो प्रॉपर्टी दिया उसको ध्यान रखना, बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स। तो न्यूटन ने अपने रूल में बताया, फर्स्ट लॉ बताया, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट रूल में उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह दोनों के मास क्वांटिटी के, मतलब उसमें जितना मास है उस मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर बिटवीन देम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यदि हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन कर दें, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया दोनों स्टेटमेंट को उनका। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एफ इक्वल टू एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल जी। देखो प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैथ्स में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। हियर कैपिटल जी इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर। तो हो जाएगा कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। हियर जी इज, जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इट्स न्यूमेरिक वैल्यू इज 6. यह न्यूमेरिक वैल्यू, इसका जो आंकिक मान होता है न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, इसको न्यूटन ने कैलकुलेट करके बताया 6.67 इंटू 10^-11। अभी इसके यूनिट के बारे में आगे बात करते हैं, क्लियर। तो ये इन्वर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, अभी इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। और फोर्स का यहाँ पर यूनिट आएगा क्या, न्यूटन। ये है एम केस में न्यूटन और सी जी एस में डाइन। तो एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में फोर्स का फार्मूला है। आगे हम इस पर डिस्कशन करें तो देखो, सिंस एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, देयर फॉर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी को डिफाइन करना है तो कैपिटल जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। अब यहाँ पर हमको इसको डिफाइन करना है सपोज, तो इफ हमने क्या ले लिया, एफ को 1 न्यूटन ले लिया, इफ आर इक्वल टू 1 मीटर, एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू सपोज 1 kg, एम वन एम टू क्या है 1 kg के इक्वल है, और ये दोनों को यूनिट लेने के बाद हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दिए तो कैपिटल जी इक्वल टू हो गया एफ, ये हो गया। इसका हमको यूनिट बनाना है, तो यूनिट हम कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ से यूनिट आपको बनाना है, ये हो गया न्यूटन, एफ का हो गया न्यूटन इंटू डिस्टेंस का हो गया मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा केजी, ऊपर जाके हो जाएगा kg^-2, केजी इंटू केजी क्या हो जाता है केजी स्क्वायर, और न्यूमिनेटर से जब डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो power-2 हो जाएगा। तो यूनिट ध्यान में रखना, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg^-2, केजी इनवर्स power-2 भी कह सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यदि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करें तो आपको यहाँ से एक रिलेशन दिख रहा है कि यदि 2 मास पार्टिकल 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट में रखे हों, 2 यूनिट मास पार्टिकल, 2 यूनिट मास पार्टिकल है मतलब उनका मास क्या है, यूनिट है, और वो क्या है, यूनिट डिस्टेंस में रखे हुए हैं,
हम चाहें तो उसका यूनिट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए अपन इसको यूनिट को हटा देते हैं और यूनिट मास पार्टिकल कह देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन देखो, इफ टू यूनिट मास पार्टिकल केप्ट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट देन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मास पार्टिकल इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दैट मींस यदि यूनिवर्स में कहीं भी टू मास पार्टिकल रखे हैं जो कैसे हैं, यूनिट हैं, दोनों का मास यूनिट है, 1 ग्राम 1 kg जो भी है यूनिट है, तो दोनों बॉडी यदि यूनिट मास पार्टिकल हैं और दोनों एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस में रखे हुए हैं, तो इस कंडीशन में उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा G इज इक्वल टू एफ। दैट मीन्स उस टाइम में उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ऐसा भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्ट बिटवीन टू यूनिट मास पार्टिकल दे आर केप्ट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। देखो यदि आप समझे हुए हो तो डेफिनेशन को कई तरीके से बोल सकते हो, और रटे हुए हो तो डेफिनेशन को केवल एक तरीके से बोल सकोगे, वो भी तब जब तक आपको याद रहेगा। इसलिए मैं डेफिनेशन को आपको समझा रहा हूँ कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि दो मास पार्टिकल यूनिट डिस्टेंस में रखे हैं और उन यूनिट मास पार्टिकल है और यूनिट डिस्टेंस में रखे हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है। तो कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ एंड डिराइव एंड डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो लास्ट में आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल जी से। अभी हमने पढ़ा कैपिटल जी, कैपिटल जी का जो एक खासियत है वो ये है कि कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है, ये कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है जो मैंने अभी आपको बताया 6.67 × 10⁻¹⁻, ये जो वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है मतलब अर्थ में रहोगे तो अर्थ का भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतना होगा, और यदि आप मून में चले जाओगे, आप जुपिटर में चले जाओगे, आप मार्स में चले जाओगे, इस पूरे गैलेक्सी में किसी भी प्लेनेट पर आप चले जाओगे तो सब जगह इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स टू द पावर 2 इतना होगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल क्वांटिटी है मतलब इसका वैल्यू चेंज होता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, जो हम पढ़ेंगे 4 वेरिएशन है, ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उससे पहले हम पहले ये समझ लें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। तो जैसे हमारे पास कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो, सपोज कोई बॉडी क्या है, फ्रीली फॉलिंग हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है और नीचे में क्या है, ये अर्थ है, और ये फ्रीली फॉलिंग कंडीशन पे है। तो जब ये बॉडी फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में होता है तो इसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन व्हिच इज डेवलप्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के कारण किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन जनरली हम इसका वैल्यू को अर्थ में g = 9.8 m/s² हम जनरली लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो इतना ही हो, कई जगह में हम इसका वैल्यू को 10 भी लेते हैं,
लेकिन आप ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स वगैरह जब सॉल्व करते हैं तो अर्थ में इसका वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन यह क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल क्वांटिटी है मतलब यह कई कारण से चेंज हो जाता है। इसका जो वैल्यू है कैपिटल जी जैसा नहीं है, इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। जैसे हाइट में जाए तो चेंज होता है, डेप्थ में जाए तो चेंज होता है, अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अर्थ के शेप के कारण फोर टाइप से चेंज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वेरिएशन ऑफ द वैल्यू आप जी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं पार्ट पार्ट में, ऐसा नहीं कि किसी वीडियो को बस बहुत पढ़ाना है तो बहुत लेंदी कर दिया। जहाँ तक पढ़ाने के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा वहाँ तक ही पढ़ना सही टेक्निक होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब उतना तैयार करके आता है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक उसको समझ में आता है। तो आज के क्लास में मैं जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा वो अच्छे से समझ के आना है आपको, तो फिर आगे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अभी हमने दो जी पढ़ा, ठीक है, एक स्मॉल जी और कैपिटल जी। अब उसमें दोनों में हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। तो इसके दो रिलेशन अपन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला रिलेशन हम मास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद उसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो दो रिलेशन में यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ, रिलेशन दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखो, सपोज ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस में हमने सपोज एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लिया स्मॉल एम मास का, और अर्थ का रेडियस हमने कैपिटल आर लिया, ये सेंटर है अर्थ का, रेडियस सपोज कैपिटल आर है, मास इसका कैपिटल एम है, और इसके सरफेस में एक स्मॉल एम मास का बॉडी रखा हुआ है, क्लियर। अर्थ की डेंसिटी सपोज कैपिटल डी है, ये सब हम कंसीडर में लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसमें जो फोर्स लगेगा, वेट, आपको पता है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है W, वो mg के इक्वल होता है। वेट इज आल्सो ए फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण किसी बॉडी पर जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम वेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिंस F इक्वल टू m इंटू जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कारण उसमें जो फोर्स लगता है वो mg होगा। तो इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू mg होगा। एंड वी नो दैट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, F इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल m इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस पर दो फोर्स जो हम लगा रहे हैं दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन है उस बॉडी पर, उसी बॉडी पर फोर्स है। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दे आर इक्वल बिकॉज एम जी इज आल्सो फोर्स एंड जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज आल्सो ए फोर्स, दे आर फॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एम जी इक्वल टू हमको मिल जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन हमको मिलेगा। अब यहाँ से दोनों रिलेशन को आप देखो तो स्मॉल एम दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको जो रिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूरा इसी पर बेस्ड है। ये पहला रिलेशन है और ये जो फर्स्ट रिलेशन मैंने बताया वो रिलेशन यहाँ पर देखो, ये मास के रेस्पेक्ट में है, रिलेशन ऑफ बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास पर डिपेंड है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन जानना चाहते हैं और वहाँ पर अर्थ का जो मास है उसमें चेंजेस हो रहा है। अर्थ का मास कांस्टेंट है तब तो ये फार्मूला सही है, लेकिन यदि अर्थ का मास चेंज हो रहा है, सपोज हम अर्थ के अंदर चले गए तो अर्थ का मास जो इफेक्टिव मास है वो चेंज हो गया, तब हमको डेंसिटी यूज़ में लाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम मास को डेंसिटी में चेंज करके एक नया रिलेशन बना सकते हैं, वो सेकंड नंबर का रिलेशन होगा। देखो सेकंड नंबर का रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो सेकंड रिलेशन अभी हमने पढ़ा है जी इक्वल टू जी
कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर हम यदि चाहें तो मास को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, और किस फार्मूला से, सिंस अपने को पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम जानते हैं। वेयर कैपिटल डी इज डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। इसको यदि हम चेंज करें तो देयरफॉर यहां से हम मास फाइंड करना चाहें तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज स्फेयर, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 4 upon 3 pi r cube, एंड डी को मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिया, डी इज डेंसिटी। तो यहाँ पर देखो ये कैपिटल एम का वैल्यू 4/3 pi r cube into d होगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर यदि सब्सटीट्यूट कर दें एम का वैल्यू को इस रिलेशन में तो हमको क्या रिलेशन मिल जाएगा, देयरफॉर जी इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पर इसका वैल्यू हम पुट अप करेंगे कैपिटल एम का तो हो जाएगा 4/3 pi r cube। इसको सिंप्लीफाई करें तो g इक्वल टू ये r स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट होगा, वहाँ पर एक r बच जाएगा क्योंकि एक r क्यूब है, वो कांस्टेंट को मैं पहले लिख दिया तो हो जाएगा 4/3 ये पाई, फिर कैपिटल g और ये r, अच्छा d लिखने भूल गया क्या यहाँ पर, ये d, तो 4/3 pi g r और बचा है d। ये है दोनों में रिलेशन, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4/3 pi g r d। तो यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी में दो रिलेशन है, एक ये है ए विथ मास और ये है विथ डेंसिटी। यहाँ पर आप देखो ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग है, ये डी के साथ है, ये मास के साथ, तो दोनों रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर किसको यूज़ करना है। देखो जब आप इसके बेस पर, आप फिजिक्स के बेस पर IIT JEE या NEET का प्रिपरेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि फार्मूला कितना यूज़फुल है। ये दोनों फार्मूला से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं कि एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट के मास का कंपैरिजन, ग्रेविटेशन का कंपैरिजन, ये इतना टाइम्स हो गया तो उतना टाइम्स हो जाएगा, इतना परसेंट वो डिक्रीज कर दिए तो उतना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, ये जितना भी इनमें रिलेशन है इस पर बेस्ड है। इसलिए सबसे पहला काम है आपका बेसिक फाउंडेशन को अच्छे से क्लियर करना। ओके, तो आज का क्लास मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, और नेक्स्ट जो अपने को क्लास मिलेगा वो होगा वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, और एक ही वीडियो में उसमें मैं चारों वेरिएशन को बताऊं। आज दो बता दूं, दो उसमें बताऊं तो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहती, और पूरे फोर को एक साथ बताना बहुत लेंदी हो जाता है। तो एक स्पेशल वीडियो आपको मिलेगा वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, स्मॉल जी के वैल्यू में किस किस कारण से वेरिएशन होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वही मिलेगा। ओके, थैंक यू।